सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बहुत से लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा, क्या तुमने व्लॉगिंग छोड़ दिया ऐसा वैसा। तो गाइस मैं आपको सीन बताता हूँ क्या हुआ। कुछ दिन पहले मैं स्विमिंग पूल में गया था व्लॉग बनाने के लिए, मैं और रितेश भी और कुछ दोस्तों हम लोग मतलब साथ में गए थे व्लॉग बनाने के लिए। तो उधर क्या हुआ कि फ़ोन मेरा स्विमिंग पूल में गिर गया। तो मेरे को लगा कि भाई नॉर्मल है, कोई उतना सीन नहीं है, क्योंकि जो आईफोन XR है वो वाटर रेसिस्टेंट है, 1 मीटर के अंदर ये 30 मिनट्स तक सर्वाइव कर सकता है। सो मेरे को लगा कि भाई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा और फ़ोन एकदम सही चल रहा था, तो मेरे को उतना मतलब कुछ टेंशन नहीं था। लेकिन जब फ़ोन को मैं घर लेके आया उसके बाद देखा कि मैंने कि फेस आईडी डिसेबल्ड हो गया उसका, एंड धीरे धीरे उसके उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे थे क्योंकि उसके अंदर शायद पानी चला गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा मैं कि डिस्प्ले पे जिटर कर रहा था, नीचे साइड में ब्लैक कलर का शो कर रहा था कभी कभी। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि साउंड के बटन्स, वॉल्यूम बटन्स और पावर बटन एंड जो म्यूट अनम्यूट का बटन होता है कभी कभी काम नहीं करते थे और कभी कभी ऑटोमेटिक ही काम करते थे। सो गाइस ये सब देखने के बाद मैंने फ़ोन को हीट करा क्योंकि मेरे को लगा कि भाई हीट करूँगा तो सारा पानी मतलब गर्म होके वेपरेट होके निकल जाएगा। बट क्या हुआ कि कुछ मतलब कुछ घंटे बाद बैक कैमरा जो था मेरा उस पर पूरा फॉग आ गया, एंड बैक कैमरा मतलब लिटरली कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था और उसमें पानी चला गया था, इसकी वजह से वो अजीब मतलब हिल रहा था पूरा। सो अभी आपको दिखा देता हूँ कि मेरे फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो फेस आईडी का क्या हाल हो गया भाई पूरा। अ प्रॉब्लम टू द कैमरा, फेस आईडी हैज़ बीन डिसेबल्ड। तो भाई फेस आईडी तो सीधा डिसेबल्ड हो चुका है, शायद उसके अंदर पानी चला गया है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो साइड का बटन से, ये भी मतलब कभी कभी काम कर रहा है, कभी कभी काम नहीं कर रहा है। और पीछे कैमरा का देख लो फॉग थोड़ा सा कम हो चुका है, शायद बहुत सारा फॉग से भी इवापोरेट हो चुका है। और यहाँ पे बैटरी भाई फ़ोन मतलब ज़्यादा चला नहीं, 93% अभी बैटरी हेल्थ है इसका। सो अभी कैमरा देख लो, ये फ्रंट कैमरा तो सही है बट बैक कैमरा देखो थोड़ा भी फॉग जाने की वजह से थोड़ा क्लियर हो गया, बट आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो अपने आप हिल रहा है स्क्रीन थोड़ा थोड़ा। सो ये भी एक प्रॉब्लम आ गया है। सो गाइस ये सब प्रॉब्लम हो गया मेरे फ़ोन में जिसकी वजह से मैं व्लॉग वगैरह अभी शूट नहीं कर पा रहा और मेरा मन भी नहीं कर रहा बिल्कुल ही व्लॉग वगैरह करने का अभी। बट देखते हैं अभी क्या होता है, अगर फ़ोन सही होता है तो फिर मैं रेगुलर वीक में एक वीडियो तो ज़रूर आएंगी और शायद 2 भी आ सकता है। सो देखते हैं फ़ोन अगर ठीक होता है कि नहीं। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा शूट कर रहा हूँ, एंड आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ कि आईफोन में जो माइक होता है वो कैमरे के नीचे, बैक कैमरे के नीचे होता है। सो उसकी वजह से आवाज़ भी क्लियर नहीं आती है फ्रंट कैमरे से शूट करने की वजह से। और गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरे फ़ोन का वारंटी जो है ख़त्म हो चुका है, एंड मेरे शहर में कोई सर्विस सेंटर भी नहीं है एप्पल का। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया है बट देखते हैं, मैंने दुकानदार के पास दिखाया था फ़ोन तो बोला कि पानी घुस गया है अंदर, तो सूखने के बाद शायद सही हो जाए फ़ोन एकदम प्रॉपर काम करने लगे। सो अभी देखते हैं, कुछ दिन वेट करते हैं, अगर फ़ोन सही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी देखते हैं क्या होता है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो अभी देखते हैं कब तक ये वीडियो डलेगी क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता, अभी मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो बट कब डलेगी मेरे को लिटरली नहीं पता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर फ़ोन अपना सही हो गया तो। तब तक के लिए बाय।